The incident of Dalit scholars' suicide in the University of Hyderabad has raised uproar in all parts of the country. The Youth Congress Party workers on Friday protested against the Bharatiya Janata Party in Jammu and demanded resignation of Human Resources and Development Minister Smriti Irani. Jammu Youth Congress President Pranav said if the HRD minister is not removed from the post, the Youth Congress will continue these protests in the whole country. आज का ये जो प्रोटेस्ट था ये यूथ कांग्रेस एनएसयूआई और महिला कांग्रेस द्वारा एक ज्वाइंट प्रोटेस्ट था। इस प्रोटेस्ट का जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एचआरडी मिनिस्टर है स्मृति ईरानी वो जल्द से जल्द अपना इस्तीफा दे, क्योंकि ऐसे एचआरडी मिनिस्टर को कुर्सी पर बैठने का बिल्कुल भी हक नहीं जो पूरे देश को गुमराह करे, उसको जातिवाद में बांटे और अलग अलग कम्युनिटी के अंदर जो युवाओं के साथ खिलवाड़ करे। ऐसे एचआरडी मिनिस्टर को कुर्सी पर बैठने का बिल्कुल हक नहीं। हम यूथ कांग्रेस वाले बिल्कुल इसकी रेजिग्नेशन की मांग करते हैं। इस एचआरडी मिनिस्टर को जल्द से जल्द निकाला जाए, वो अपना इस्तीफा दे। अगर वो अपना इस्तीफा नहीं देगी तो यूथ कांग्रेस इसी प्रकार पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर प्रदर्शन करता रहेगा। 25 तारीख को पूरे हिंदुस्तान के अंदर यूथ कांग्रेस द्वारा एक आंदोलन छेड़ा जा रहा है जो पूरे हिंदुस्तान के हर एक स्टेट के अंदर होगा। हमारी यही डिमांड है, भरपूर डिमांड यही है कि स्मृति ईरानी अपना इस्तीफा दे। कॉरेस्पॉन्डेंट सोमेंद्र फ्रॉम जम्मू फॉर ANI।